only unhygienic people can get fungal infection. So is it a myth? So I would say it's a partially, definitely a myth. Okay. Like I said, ki type of fungal infection drives it. Okay. So I would say ki it is a myth, because even in healthy people, but with the poor immunity, or hygienic people with the poor immunity can also get the fungal infection. क्या फंगल इन्फेक्शन को हम घर की कोई रेमेडी से भी ठीक कर सकते हैं? सो यूजुअली अगर आप देखो तो हल्दी जैसे कर्क्यूमिन जो है कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी मेडिसिन है, तो कई लोग उसकी जो खुजली है या जो उसकी इचिंग है, बिकॉज फंगल इन्फेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग इचिंग के साथ बहुत प्रेजेंट करते हैं कि बहुत एक्सेसिव खुजली, तो उसमें वो हेल्प कर सकती है, बट डेफिनेटली इट्स जस्ट अ सपोर्टिव थेरेपी इन द फॉर्म ऑफ अ लोकल इम्यूनिटी. Truly speaking, you have to come to an expert and take a proper antifungal therapy, chahe wo creams ho, ointments ho, powders ho, ya tablets. Okay, and ma'am, aapne jaise starting bataya tha ki fungal infection kafi tarah ke hote hain. So, aisa ho sakta hai ki kisi ko bhi agar fungal infection hua hai, to like agar usko face par bhi hai aur leg par bhi hai, to wo different ho? So, फंगस में ऐसा है कि एक ही टिपिकल टाइप का, सो जैसे इट्स लाइक अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, कि हम अगर बात करें कि बैक्टीरिया है या फॉर एग्जांपल वायरसेस, वायरसेस का एक कॉमन टर्म में भी आपका हर्पीस भी है, आपका कोविड भी है, आपका चिकनगुनिया भी है, आपका चिकन पॉक्स भी है. ऐसे ही फंगसेस में अलग 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 भ्रांति टाइप के फंगसेस होते हैं. सो ऐसा हो सकता है कि एक ही बॉडी में दो एग्जिस्टिंग टाइप के फंगसेस एग्जिस्ट कर रहे हो विद द सेम पैटर्न. ओके, एंड अगर हमें किसी को भी अगर उसको प्रिवेंट करना है, लाइक अगर अभी हुआ है, नया नया है, एंड वो डॉक्टर के पास अभी नहीं गया है, तो क्या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं विद डस्टिंग पाउडर्स और समथिंग, क्योंकि जो आजकल बहुत ही आते हैं. सो डस्टिंग या प्रिवेंशन तब तक है कि वो ना हुआ हो. ओके, इफ इट हैज हैपेंड इसका मतलब वो हो गया है. ओके, तो उसमें ट्रीटमेंट विल बी द फर्स्ट थिंग. ओके, प्रिवेंशन विल बी ऑलवेज फंगल में होता है कि वो बार बार ना हो. Okay. तो ऐसे में डस्टिंग पाउडर्स से ना बेटर है आप लाइक आई सेड कि एक्सपर्ट की सलाह लेके एंटीफंगल पाउडर्स का आप प्रॉपर यूज करें, विच इज मेडिकेटेड. आपका एक बार वो एपिसोड क्लियर हो जाए, उसके बाद आप अपनी प्रिवेंशन और इम्यूनिटी पॉइंट पे आएंगे, ताकि वो बार बार चीज ना रिपीट. ओके, एंड मैम कितना टाइम में एक फंगल इन्फेक्शन जो कि स्टार्ट हुआ है और उसको खत्म होने में अगर हम उसको मेडिकेट भी कर रहे हैं तो कितना टाइम लग जाता है? सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि कहाँ का फंगल इन्फेक्शन है एंड आपका अपना इम्यूनिटी लेवल कितना है. बिकॉज स्किन वाले इन्फेक्शन जैसा मैंने बताया 2 से 3 हफ्तों में, कई बार अगर आपको सीवियर बॉडी के अंदर हो रहा है, ब्लड में हो रहा है, लंग्स में है, ब्रेन में है, तो वो ड्यूरेशन 4-6 हफ्ते, महीने, साल तक भी रह सकता है. ओके, मैम हमारे पास कुछ मिथ्स हैं फंगल इन्फेक्शन को लेकर, तो मैं जानना चाहूँगी कि वो सच में मिथ्स हैं या फिर उसमें रियलिटी भी है. ओनली अनहाइजीनिक पीपल कैन गेट फंगल इन्फेक्शन, सो इज इट अ मिथ? सो आई वुड से इट्स अ पार्शियली डेफिनेटली अ मिथ. ओके, लाइक आई सेड कि टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन ड्राइव्स इट. ओके, सो आई वुड से कि इट इज अ मिथ, क्योंकि इवन इन हेल्दी पीपल, बट विद द पुअर इम्यूनिटी, और hygienic people with the poor immunity can also get the fungal infections. Okay, and you can't get a fungal infection if you are healthy. Aisa hai? As I mentioned, you can immune get. Immune, wo depend karta hai. Okay, and fungal skin infection jo hota hai, wo same hota hai yeast infection ke se jaisa. So ye dono same hai, alag alag hai? So yeast infection is one prototype of fungal infection. Okay. Jaise it's a subset. उसके अलावा भी जो रिंग वर्म यानी जो डर्मेटोफाइट्स हैं, वो भी आपके स्किन इन्फेक्शन कर सकते हैं. तो ईस्ट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ अमंग्स द फंगल इन्फेक्शन फॉर स्किन, बट देर आर अदर्स ऑल्सो. ओके, एंड फंगल इन्फेक्शन आर ऑलवेज विजिबल? नॉट रियली. ओके, सो जो हम बात कर रहे हैं अभी वो सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, जो okay. दिख सकते हैं, बट डीप फंगल इन्फेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा एंटिटी है. ओके, एंड जो फंगल इन्फेक्शन दिख रहे हैं वो मुझे लगता है कि कम रिस्की है फिर भी, बट जो अंदर हैं, जो डीपली वो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. बिल्कुल. सो जैसा मैंने आपको बहुत क्लियरली एक एग्जांपल दिया, ब्लैक फंगस जो कोविड के बाद हमने देखने को मिला, उसमें अंदर से ही शुरू हो के चीज़ें, और वो पूरा का पूरा खा के वो पूरा ब्रेन तक पहुँच जाता था, क्योंकि आधा टाइम आपको वो सिम्टम्स सिर्फ नोज़ ब्लॉक के लगते थे. ओके, जबकि वो नोज़ ब्लॉक एक्चुअली में फंगस हो रहा था. सो सुपरफिशियल मैं कहूँगी टू एन एक्सटेंट, क्योंकि आप देख पा रहे हो. डीप होने का पहले बात तो कारण यही है कि या तो आपकी इम्यूनिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज रही कि आपको सीधा डीप हुआ, एंड सिंस इट्स ए डीप, लेकिन कई बार अननोटिस्ड या साइंस एंड सिम्टम्स इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि आप उसको टलाते रहते हैं, तो वो डीप होता रहता है.
ओके मैम, एंड टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू मैं चाहूँगी कि हमारे ऑडियंस को आप कुछ एडवाइस दीजिए ऑन फंगल इन्फेक्शन. बिल्कुल. सो फंगल इन्फेक्शंस एक कॉमनली एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हैं. पहली बात तो ये कोई रेयर समस्या नहीं है, हर घर में हो सकती है, किसी को भी हो सकती है. सो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने आप को उसको होने ना दें, अपने हाइजीन को, बिहेवियर को मेंटेन करें. दूसरी बात, अगर किसी को लग रहा है एक्सेसिव इचिंग है, दाद है, या किसी तरीके के छाले हो रखे हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो एक्सपर्ट की सलाह लें. बिल्कुल मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम अगेन फॉर द टाइम. थैंक यू.